तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल देसी बॉयज पे। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही लाए हैं एक बेहतरीन गाना, गाइस प्लीज। ये रात और ये दूरी, तेरा मिलना है जरूरी, के दिल मेरा धक धक डोले, दीवाना विच जाए कोले। तो ये सॉन्ग सुन के आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज हम किस पे रिएक्शन देने वाले हैं। अंदाजा से याद आया, ये रिएक्शन हम अंदाज अपना। वैसे तो भाई सबका अंदाज अलग अलग ही होता है, लेकिन अपना जो अपना अंदाज अपना। इसमें दिखा सलमान खान, आमिर खान, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, शक्ति, गैंगमास्टर परेश रावल, माँ किधर है माँ, उसका नाम लिया तो फटक से डायलॉग बोलना है। यस, ठीक है। एक्चुअली वो कैरेक्टर्स ही ऐसे है ना कि आप जैसे उन्हें याद करोगे तो उनके फेमस रोल जो डायलॉग से वो आ जाते हैं मूवी में। एग्जैक्टली। तो गाइस हम आज बात करने वाले हैं 1994 में जो मूवी रिलीज हुई थी अंदाज अपना अपना, पे, जो कि इंस्पायर्ड तेलुगु मूवी से 1984 में तेलुगु मूवी आई थी। फिर इसको बॉलीवुड में बनाया गया था 1994 में। इससे पहले भी अलग अलग लैंग्वेज में इसको बनाया गया था, बट ये 1994 में जो अंदाज अपना अपना आई थी वो एक काफी बड़ी हिट हुई थी। उसके डायलॉग्स गई थी बॉक्स ऑफिस, उसके डायलॉग्स अभी भी याद है तुम लोग को? याद है एक एक डायलॉग सब लोग बोलेंगे, जैसे कि गैंग मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल के गोटियां खेलता हूँ। सेकंड डायलॉग ये था कि आज दो दोस्त एक कप में चाय पियेंगे, जब उसको बिल पे करना होता है। और वो कौन सा था सवाल, एक जवाब, एक एक सवाल दो दो जवाब, एक एक सवाल दो दो सवाल, एक सवाल एक सवाल एक जवाब। एग्जैक्टली। तो आप देख सकते हैं देसी बॉयज को अभी तक इनके इनको उस मूवी के डायलॉग कितना सारे डायलॉग्स याद है अभी तक। यस। एंड स्पेशली गाइज मैं मेंशन करना चाहूँगा आमिर खान के डायलॉग्स एंड डायलॉग्स डिलीवरी, जो टाइमिंग है awesome। और सलमान भाई, सलमान भाई का है वो तो भाई। तो दोनों का जो कॉमिक टाइम था सलमान भाई और आमिर खान का, यार लाइक टॉम एंड जेरी, इतना मतलब खिंचाई करना दूसरा का। यस, उस मूवी को देख के मतलब अभी भी अगर मैं घर पे लगा के बैठ जाता हूँ, चाहे वो 10 बज रहे हो मॉर्निंग के या फिर रात के, तो मुझे ऐसे ही फील आता है, लगता है कि कुछ फ्रेश देख रहा हूँ। जैसे फील भी आता है और टीवी के सामने से हटने का, एंड आप फैमिली के साथ भी देख सकते हो। इसको लिखा था राजकुमार संतोषी ने, उन्होंने डायरेक्ट भी करा था, बहुत ही प्यारी मूवी बनाई थी उन्होंने। और बीच में तो मैंने रूमर्स सुने थे कि इसको दोबारा बनाया जा रहा है शायद, एंड पर अभी भी वो नहीं हो पाया कि किसको साइन कर रहे हैं, फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल नहीं हुआ है। एग्जैक्टली। एंड मैं तो चाहूंगा कि अगर इसको बॉलीवुड में, वैसे बहुत सारी मूवीज के रीमेक हो रहे हैं, तो इस प्यारी मूवी का क्यों ना हो सकता है। यस। तो गाइस आइए इस मूवी का एक हमने सीन उठाया है, स्पेशल पार्ट। यस, एक्चुअली जो हमें पसंद है, वरना इस मूवी के तो बहुत सारे स्पेशल पार्ट्स हैं। और हाँ, आप हमारे कमेंट सेक्शन में आइएगा और बताइएगा कि आपको इस मूवी का कौन सा सीन सबसे ज्यादा पसंद है। जो हमें सबसे ज्यादा पसंद है हम आपको उस पर रिव्यू करने वाले हैं। तो आइए, ये पुलिस स्टेशन का सीन। हेलो सर, हेलो, आई अमर, हेलो अमर, एंड आई एम प्रेम। हेलो प्रेम, अमन प्रेम, अरे क्या बात है, क्या बात है, गुड, वेरी गुड। सर लगता है ये पुलिस स्टेशन नया खुला है। बिल्कुल नया है। अच्छा सर, ये दोनों एक मिनट यार, बात कर रहे हैं तुम तो ब्रो यार, बिल्कुल नया है, ढाई महीने के रिकॉर्ड टाइम हमने खड़ा किया है सर। ये दोनों, अरे यार मैं जानता हूँ ये दोनों अमन प्रेम है। अरे जब बड़े बात कर रहे हैं तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। सर ये दोनों, हर चीज नहीं है यहाँ पे, टेबल है, कुर्सी नहीं, हर चीज नहीं है यहाँ पे, बस एक रिबन काटने वाले का इंतजार है। लॉकअप का रिबन काटना पड़ेगा ना, उसके लिए मुझे एक चोर, एक चक्का, कोई बदमाश, कोई लफंगा चाहिए मुझे। अच्छा हम लोग चलते हैं सर, अच्छा हम लोग चलते हैं, बहुत खुश हुई आपसे मिलकर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इन्हें रिबन काटने के लिए लाया था सर। हाँ, ये तीन नंबर के दोनों गुंडे रास्ते में उठा पटक कर रहे थे सर। मैं नहीं सर, मेरी शक्ल देखिए सर, क्या मैं मारपीट कर सकता हूँ? नहीं, मैं तो अहिंसा का पुजारी हूँ सर। एक नंबर का झूठा है सर, ये आपकी शक्ल पे जा रहा है सर, ये आप कुल्लू से बज रहे हैं। आपको गाली दी? अरे उल्लू गाधा बेवकूफ, तो मैं भी बोल सकता था, लेकिन मैंने बोला नहीं नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो आप शक्ल से दिख रहे हैं वो है नहीं। तो लोग दोनों मिलकर मुझे मेरे ही पुलिस स्टेशन में गालियां दे रहे हो। मैंने बोला गाली स्टॉप होती, इसको अंदर कीजिए, मुझे बाहर कीजिए। हेलो, अरे साहब बिजी है, अरे कमिश्नर होगा आपने सर, कमिश्नर का पता काट ही दिया, कानून सिखा रहा है, बोल रहा है कि मुझे अंदर कर दो।
लेकिन सर मैं जानता हूँ कि आप ग्रेट हैं और आपने चोर को पहली नजर में पहचान लिया होगा। सर मस्का लगा रहा सर बोल सर ये शक्ल ला रहे सर मेरी चाय पी गया मुझे गालियां दी मैं तुम दोनों से तंग आ गया हूँ मैं तुम दोनों से एक एक करके निपटूंगा सर पहले मुझसे मुझे जरा जल्दी है कितना माल है साले करोड़पति के पास हाँ ठीक है ठीक है ठीक है अब तुम उधर जाओ सर लेकिन प्लीज उधर जाओ क्यों नहीं ए इधर आओ हाँ इधर आओ अरे मेरी बात सुन अबे सर सुनने सुनाने का टाइम गया अब मैं आपको दिखाता हूँ चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जिस चोर चक्के की आपको तलाश थी उसे मैं पकड़ के लाया हूँ इसकी भोली शक्ल पर मत जाइए दरअसल ये बहुत ही कमीना और खतरनाक मुजरिम है अब आप इस पर कोई अच्छा सा दफा लगाकर इसे अंदर कर दीजिए एक मिनट अरे ये आप इधर इधर क्या देख रहे हैं उधर इधर देखिए उधर इधर ये मेरी सर चले ये मेरा जुड़वा भाई है ये ले तेरा पर्स क्यों बच्चू तू मेरा पर्स मारेगा और मैं तेरा पर्स छोड़ दूंगा पांच रुपए छोड़े मुश्किल में काम आएंगे मैं चला गाइज अभी भी हम अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे इस वीडियो को देखने के बाद और आपने अगर आप पूरी मूवी देखी होगी आपने तो आपको तो पता ही होगा कि ये कैसी मूवी कितनी फनी मूवी है यस इसके एक एक सीन पे आप अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि इस मूवी को देखने के बाद एक्चुअली मैं आमिर खान का बहुत बड़ा फैन हो गया था मैं सलमान भाई होता है ना कि खुद की पर्सनल चॉइस तो मैंने आमिर खान के जो डायलॉग डिलीवरी है ना और एंडिंग का सीन याद है क्या उसका एंडिंग का सीन जो एंड हमारे कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए कि ये सीन आपको कितना पसंद है पसंद है बेस्ट पार्ट आपको मूवी का कौन सा लगा और यस और इस वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम और भी पहले की मूवीज हो या अपकमिंग मूवीज है उस पर वर्क करें कुछ इंप्रूवमेंट के लिए रहेगा आप कमेंट सेक्शन यस कमेंट सेक्शन में आइए और बताइए उस पर हम वर्क करेंगे ठीक है तब तक के लिए बाय बाय थैंक यू गाइस थैंक यू फ्रॉम द देसी बॉयज बाय बाय